तीन सिक्सर और गुजरात टाइटंस फाइनल में किलर मिलर ने आखिरी ओवर की पहली तीन गेंदों पर लगातार तीन हवाई फायर कर टाइटंस को फाइनल में पहुंचा दिया। पहला छक्का उन्होंने वाइड लॉन्ग रन के ऊपर से जड़ा, फिर दूसरी बार उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा एवं विनिंग छक्का उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से लगाया। विनिंग छक्का लगते ही टाइटंस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, सभी खुशी से उछल पड़े। कप्तान हार्दिक पांड्या और मिलर एक दूसरे से गले मिले। वैसे ये जीत इतनी आसान नहीं थी, पर मिलर की किलर अंदाज ने इसे आसान बना दिया। ईडन गार्डन में खेले गए इस पहले क्वालिफायर मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 188 रन बनाए, जिसमें ओपनर जोस बटलर का एक बार फिर अहम भूमिका रहा। उन्होंने सिर्फ 56 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्के की मदद से 89 रन बनाए। पारी की आखिरी गेंद पर वो रन आउट हो गए। कप्तान संजू सैमसन ने भी 47 रनों का अहम योगदान किया। उन्होंने अपनी इस पारी में 5 चौके और 3 हवाई फायर किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टाइटंस को पहला झटका दूसरी गेंद पर ही लग गया था, पर इसके बाद मैथ्यू वेड और शुभमन गिल ने 72 रन जोड़कर टीम को मजबूती दी। ये दोनों 35-35 रन बनाकर आउट हुए। इन दोनों के आउट होने के बाद क्रीज पर वो जोड़ी थी जिन्होंने रॉयल्स के गेंदबाजों को मौका ही नहीं दिया और मैच को आखिरी ओवर तक लेकर गए। इन दोनों के बीच 106 रनों की विनिंग साझेदारी हुई, जिसमें किलर मिलर की सिर्फ 38 गेंदों में नाबाद 68 रनों की पारी का अहम योगदान रहा, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 5 हवाई फायर किए। इन 5 हवाई फायर में से 3 उन्होंने आखिरी ओवर में किए, जब टीम को सिर्फ 6 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।